सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लाइव प्रूफ करके दिखा के, ठीक है, कि एक चार्जर का कनेक्शन दो टॉर्च का चार्जर का कनेक्शन कैसे करें। ठीक है, मतलब कि हमारा जो इस वक्त जो है एक चार्जर ये डेड है, मतलब ख़राब है। ठीक है, इस चार्जर का कनेक्शन जो है मैं यहाँ से निकाल के एक चार्जर में करने वाला हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो इधर जो हमारे पास दो टॉर्च है, दोनों वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इधर जो मैं करने वाला ये हूँ कि इसका कनेक्शन निकाल के जो है एक ही चार्जर में कनेक्शन करने वाला हूँ, और जो एक साथ ही चार्ज होगा, मतलब एक बार चार्ज होगा दो टॉर्च, ठीक है, एक साथ एक चार्जर से। तो चलिए वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट के भी शुरू करते हैं। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड हर अपडेट्स और हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है इसका कनेक्शन को निकाल लेना है, जो आपका जिस टॉर्च का चार्जर आपका ख़राब है। ठीक है, तो मैं इसका जो कनेक्शन निकाल लेता हूँ, इधर एक दो इस पेच रहता है, इसको जो स्क्रू रहता है इसको इधर खोल लेना है इसके नीचे। ठीक है, बहुत सारे को पता नहीं होगा, तो इधर से आपको स्क्रू खोल लेना है, इसके बाद आपको रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आपके पास अगर सोल्डिंग मशीन है तो आपको सिंपली सोल्डिंग आयरन से आपको रिमूव कर लेना है कनेक्शन को। ठीक है, तो ये जो डेड चार्जर है इसको साइड कर लेना आपको। फिर अब दोस्तों देखिए, इसका जो है चार्जर जो है ये वर्क कर रहा है। ठीक है, देख सकते हैं मैं आपको, ये चार्जर वर्क कर रहा है। ठीक है, ये जो सैनफोर्ड है, सैनफोर्ड कंपनी के, जो कि जापान से मैन्युफैक्चरिंग होते हो, वो स्क्रू को आपको पीछे से खोल लेना है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, और जो बहुत ऐसे जो चार्जर होते हैं जो कि स्टिकर के नीचे रहते हैं स्क्रू, ठीक है, तो आपको सिंपली स्क्रू को निकाल लेना है। अब दोस्तों देख सकते हो, इधर जो है ये चार्जर का जो है मदरबोर्ड निकल चुका है। अभी तो देखिए, ये सैनफोर्ड कंपनी के है, ये देखिए सैनफोर्ड कंपनी के, मेड इन जापान, देख सकते हैं जापान कंपनी के ये सैनफोर्ड। तो चलिए इधर जो कनेक्शन, इसका जो मैंने कनेक्शन रिमूव किया था, देख लेना है माइनस कहाँ पे और प्लस कहाँ पे, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव को आपको देख के कनेक्शन करना है। ठीक है, तो देखिए लाइन वन लाइन टू में कर रहा हूँ मैं। ये पहला कनेक्शन हो गया, ये हमारा, ये देखिए इधर लाइन माइनस आया, और जो है हमारा दूसरा कनेक्शन जो आ रहा है पीछे से, देख लेना आपको एक कनेक्शन हमारा जो है किधर आ रहा है। ठीक है, तो एक कनेक्शन जो है हमारा इसमें आ रहा है। ठीक है, ओके, तो एक कनेक्शन आपको इधर इसमें कर लेना है। तो दोनों कनेक्शन देखिए हमने कर लिया है, तो दोनों कनेक्शन हमारा हो चुका है। अब दोस्तों मैं इसको जो है फिट कर लेता हूँ। सिंपली आपको दोनों स्क्रू को कस लेना है जहाँ पर दोनों स्क्रू था। अब दोस्तों देखिए, मैं चार्जर को लगा देता हूँ एक्सटेंशन बोर्ड में, ये देख सकते हैं, एक मिनट हिल रहा है। तो देखिए मैं चार्जर को लगा दिया, आपको पूरा वायर देख रहा हूँ, ऐसा ना लगे कि आपको मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो देख सकते हैं इधर का दोनों कनेक्शन इसमें आया हुआ है, और ये आपके सामने इधर साइड कर लेता हूँ। देखिए मैं टॉर्च में डालता हूँ चार्जर को, ये अपने आप वोल्टेज बढ़ जाएगा, देख सकते हैं, ये जब निकालोगे तो वोल्टेज घट जाता है। ये चार्जर, बाहर के चार्जर में ये खासियत है। ठीक है, ये देखो चार्ज मतलब उठा रहा है। ठीक है, अब बड़ा टॉर्च में मैं डालता हूँ, देख सकते हो, मतलब एक बार में दोनों टॉर्च चार्ज भी कर सकते हो और सिंगल सिंगल भी कर सकते हो। ये देखो भाई, आपके पास भी अगर दो टॉर्च है और एक टॉर्च का चार्जर ख़राब हो गया, तो आप भी एक चार्जर से दो टॉर्च का चार्जर कर कनेक्शन कर सकते हो, ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। ठीक है, तो अगर आपके पास घर पे सेटअप है सोल्डिंग मशीन का, तो आप घर पे ही कर सकते हो, अगर आपको मार्केट ले जाके करना है तो आप मार्केट में कर सकते हो। देख सकते हो एक बार में एक चार्जर से दो टॉर्च चार्ज हो रहा है। वैसे अगर आपको कोई सा क्वेश्चन पूछना है टॉर्च के रिलेटेड, किसी के रिलेटेड, किसी टॉपिक के रिलेटेड, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखे हैं, सीखे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि इसी तरीके की इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती है। चलिए, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।